तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और वायरल करने वाला ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन कर लेने के बाद गाइस, आपको यहाँ पर साउंड एंड वेब सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करके जो है, आपको नीचे की साइड पर स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको इस पर सिंपली क्लिक करके आप देख सकते हैं 30 सेकंड पर सेलेक्ट है। आपको जो भी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट रखना हो वो आपकी चॉइस है, आप उस पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से आप जो है, आप 30 मिनट पर कर देंगे तो गाइस 30 मिनट बाद ये स्क्रीन ऑफ होगा। आप 10 मिनट पे 10, 5 मिनट पे 5, 2 मिनट पे 2, 1 मिनट पे 1, 30 सेकंड पे 30 और 15 सेकंड पे 15। तो इस तरीके से आप जो है अपने किसी भी टाइमर को सेट करके ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।